Dear students, once again I continued with further topic in the journey of the expansion of the Britishers from trade to territory. How the Britishers just expanded their trading area or territory, as I explained you in last few videos, that few of the policy just adopted by them. In last video, I was just discussing that, right, the claim of paramountcy, and when it was adopted and introduced in India, there was a strong oppositions will be faced by the Britishers, right? In this context, as I explained you in last video, that few of the kingdom was very powerful, and as you know, Britishers were very intelligent, right? So they can realize, and for such type of kingdom, they just raised different type of policy, right? Well, after many try of the Britishers, they were not just getting control over the southern India, right? So as I told you initially, they used to diplomatic method. When they did not accept it, they just take another steps. They then take another steps of army and military power, right? So dear students, हम लोग देखेंगे कि क्लेम ऑफ पारामाउंसी पॉलिसीज के कारण किस तरह से जो अडॉप्ट कर रहे थे वो डिफरेंट नए इंडिया के टेरिटरीज को, डिफरेंट रीजन्स को, उसी में उन्हें एक स्ट्रांग अपोजिशन जो मिला वो मैसूर से मिला, ठीक है? और मैसूर का उस समय रूलिंग जो था, अगर देखा जाए तो मैसूर का रूलिंग उस समय हैदर अली के हाथ पे था, ठीक है? तो हैदर अली के समय से देखा जाए तो उसको स्ट्रगल चलता रहा, और यूं कहे तो आप ऐसा देख सकते हो कि फोर वार्स लड़ा गया था, ठीक है? तो फोर वार जो लड़ा गया था, उस चार वार कंटिन्यूअसली, वो भी कहा जाए तो 67 से लेकर के जो स्ट्रगल मैसूर में ब्रिटिशर्स को स्टार्ट करना पड़ा था, वो कंटिन्यूअसली उसकी सेंचुरी के एंड 1799 तक कंटिन्यूअसली चला था, और चार कंजिक्यूटिव, ठीक है, चार वार उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड पे फाइट करना पड़ा, तब लास्टली जा करके 1799 में मैसूर पर वो कब्जा करना चाहा, कब्जा पूरा किया। अब एक बात आपके माइंड में चल रहा होगा कि आखिर उस मैसूर रीजन से, वो साउदर्न पार्ट से इंडिया को क्या लोभ, सॉरी ब्रिटिशर्स को क्या लोभ था, उस एरिया को अपने कब्जे में करना क्यों चाहता था, ठीक है? तो आप अगर इंडियन मैप को देखोगे, चूंकि यहाँ पर बेटा मैप नहीं है, हम सही ढंग से उसको, और यू नो कि मैं ड्राइंग और पेंटिंग में मेरा बहुत वीक हूँ, तो मैं सही ढंग से मैप बना भी नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी आई विल जस्ट ट्राई कि मैं आपको समझाने का कोशिश करूँ। अगर आप अगर इंडियन मैप को अगर देखोगे तो ये इस तरह से अगर इसका पार्ट है, और ये पार्ट आप अगर लेकर के चलते हो तो ये ऐसे मूव करके, और ये जो है यहाँ पर बंगाल था वो, ठीक है, ये बंगाल का रीजन था, तो बंगाल में यहाँ कब्जा था उसका, बंगाल में उसकी सारी आर्मी थी, ठीक है? अब यहाँ से जो है, अब ये चाहता था कि ये जो पार्ट है, ये मालाबार, ये जो है आपको ये बाउंड्रीज एरिया है, मैसूर कुछ के यहाँ पे होगा, ठीक। अब ये चीज समझिए कि ये मालाबार तट था, इसको हम कहते थे मालाबार तट, ठीक है, मालाबार कोस्ट कह सकते हो, और यहाँ से जो है ये समुद्री, ये अपने जहाज को ब्रिटिशर्स लाते थे, ठीक है, और इस जहाज यहाँ लाते थे, तो ये चाहते थे कि जब इस एरिया पर अगर हमारा कब्जा हो जाएगा तो जो आउटसाइडर्स, हम जो आते हैं समुद्री रास्ता से, ये कब्जा हो जाएगा तो यहाँ से हमें ट्रेडिंग करने में काफ़ी आसानी होगा, यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान जो वहाँ पर उपलब्ध था, जैसे कि हम बताएं कि मालाबार कोस्ट से पेपर्स और कार्डमम्स का काफ़ी वहाँ पर ट्रेडिंग होता था, तो ब्रिटिशर्स और यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो इस एरिया से पेपर्स और कार्डमम्स को वो मतलब खरीदते थे। अब यहां पर देखिए, इस रीजन्स पे से पहले क्या था, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से ट्रेडिंग करती थी,
ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके वो रीजन्स पे कब्जा वो कर ले, जिससे कि उसका ट्रेडिंग रीजन्स काफी बढ़ जाएगा और साउदर्न इंडिया में इसका होल्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो साउदर्न इंडिया में अपने होल्ड को स्ट्रांग करने के लिए और एनेक्सेशंस करने के लिए ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स का था यहाँ पे, इसलिए उसे मतलब वहाँ पे मतलब हैदर अली और बाद में जाके टीपू सुल्तान से उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, शुरुआत में ब्रिटिशर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिफीट का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं, इस फ्लो चार्ट को देखें और इस फ्लो चार्ट से आप थोड़ा क्लियर कट आपके माइंड में ये बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्ट ले करके आप इसको पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए टीपू सुल्तान जिसको कि टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं, कर्नाटका का रीजन है ये उस समय, और कर्नाटका से भी के पास का ही एरिया अभी भी है। तो आप देखोगे कि कर्नाटक के फॉरेस्ट में जंगलों में टाइगर्स बहुत मिलता है। ठीक है, तो कर्नाटक के जो फॉरेस्ट में टाइगर्स जो बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए टीपू सुल्तान को द टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं। आप लोग बहुत सारे सीरियल भी देखे होंगे टीपू सुल्तान पर कि वो काफ़ी मतलब ब्रेव एक योद्धा था, ब्रेव वॉरियर्स था वो। ठीक है, तो कहता है एक्चुअली टिल द, अब देखा जाए अब ब्रिटिशर्स की कंडीशंस को देखा जाए, उस समय की सरकमस्टांसेस को देखा जाए, तो टिल द कंपनी यूज डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन टू प्रोटेक्ट एंड एक्सपेंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। 1764 के बाद देखा जाए तो मिलिट्रिकली ब्रिटिशर्स काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, और देखा जाए तो उसके बाद वो काफ़ी मतलब वो एरिया जो डिप्लोमेसी से उनके उनके अंदर में मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो वहाँ पर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन मतलब मिलिट्री अटैक से उस रीजन को वो जीतने का कोशिश करते थे और अपनी टेरिटरी में उसको ऐड कर लेने का प्रयास करते थे। ये पॉलिसी उस समय ब्रिटिशर्स मतलब मिलिट्री अटैक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का यूज अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पावर को इन्फ्लुएंस करने के लिए और नए एरिया को एक्सपेंड करने के लिए मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का यूज इस टाइम तक आकर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाने लगा था। ठीक है, अब आप देखते हैं वो बताए आपको कि 70 कैसे आपको बैटल ऑफ पलासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल में कैसे उसका स्ट्रांग होल्ड हो गया, और बंगाल में होल्ड होने के बाद कैसे इंडिया के और रीजन्स को एक्वायर करने लगे, और उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाया गया वो आपको 2-3 पॉलिसी हमने बताया और आगे और आप बताएंगे। लेकिन अभी आप ये देखिए कि मैसूर को कब्जा करने के लिए उसने क्या क्या किया। अब यहाँ पर से आया जाए तो अगर देखा जाए तो ये मतलब अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। उसी का एक एग्जांपल जो है साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर, मतलब मैसूर को अपने रीजन्स में ऐड करने के लिए इस पॉलिसी को यहाँ पर कैसे अपनाया था। ठीक है, तो साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर जो था वो देखा जाए वो एरिया को काफ़ी प्रॉफिटेबल एरिया था, वहाँ से काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता था, जो भी अभी मैंने बताया। ठीक है, तो मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कॉस्ट, ये जो मालाबार कॉस्ट था जिस कॉस्ट से को वह मतलब जीतना चाहता था, अपने कब्जे में लेना चाहता था, उस पर रूलिंग उस टाइम किसका था, उस समय रूलिंग उस समय उस जगह पे रूलिंग जो था मैसूर का था, और मैसूर का रूलर्स जो था उस समय में कौन था, हैदर अली था। आप देखोगे कि बताएंगे आगे कि बोरियार्ड डायनेस्टी होता है और बोरियार्ड डायनेस्टी को के प्लेस पे मतलब कि ये हैदर अली आया था। फिर बोरियार्ड डायनेस्टी का क्या होता है आगे हम फिर आपको बताएंगे। अभी आप ये देखिए कि क्या होता है, हैदर अली जो था 1761 से लेकर के 82 तक वहाँ पे मतलब रूलिंग किया था। 1761 में मतलब वहाँ का टीपू सुल्तान जो है मैसूर का रूलर बना। ठीक है, और उसी का 1761 से 82 में उसे कैंसर की बीमारी थी और उस बीमारी के कारण 82 में उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसके उसका बेटा टीपू सुल्तान नेक्स्ट रूलर बना और उसकी रूलिंग 1782 से लेकर के 99 तक का रहा। अब जब टीपू सुल्तान जब रूलर बना तो क्या होता है, वो एरिया अब यहाँ से आप समझिए कि मैसूर का रूलर हैदर अली
और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान रूलर बना। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट क्या था। तो ब्रिटिशर्स जो था वो मालाबार कोस्ट को अपने कब्जे में करना चाहता था। कंपनी वाई बिकॉज कंपनी परचेस्ड पेपर्स एंड कैडम्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द किंगडम, ठीक है, फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द किंगडम। इस पार्ट से पेपर्स और कैडम्स ब्रिटिशर्स जो यहाँ से खरीदता था। लेकिन क्या हुआ, बट इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्ट ऑफ पेपर्स एंड कैडामम्स थ्रू दिस पार्ट। लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान जब 82 में रूलर्स बना तो इसने सीधा क्या किया, इस जगह से ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया, ठीक है। 85 में जब ये रोक ब्रिटिशर्स ने पे लगा दिया गया थ्रू दिस पार्ट ऑफ द किंगडम एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनीज। और इतना ही नहीं, यहाँ इस मालाबार तट के जो रीजन्स थे वहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे, लोकल बिजनेसमैन थे, उनको कम्प्लीटली मतलब बैन कर दिया गया कि वो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसी तरह का वो ट्रेडिंग रिलेशनशिप नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के ब्रिटिशर्स को बहुत धक्का लगा, राइट, ब्रिटिशर्स को काफ़ी धक्का लगा। हालांकि इसके लिए पहले से वो प्रयास तो कर रहा था लेकिन जीतने के लिए, लेकिन अभी तक जीत नहीं पाया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ब्रेव और काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी टेक्नोलॉजी से इफिशियंट रूलर्स माना जाता है टीपू सुल्तान, माना जाता है, अभी भी इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है उसको, लिखा जाता है। वो साइंटिफिकली बहुत स्ट्रांग था, उसके पास जो मतलब सोर्स था तलवार वो काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजिकल था, काफ़ी मजबूत था, ठीक है। और इतना ही नहीं, उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता है, पहला रॉकेट बनाने का भी काम स्टार्ट उसने किया था। तो साइंटिफिकली अपने आर्मी को, अपने मिलिट्री को उसने काफ़ी स्ट्रांग बनाया था, इसलिए ब्रिटिशर्स को काफ़ी स्ट्रांग अपोजिशन का ये करना हुआ। जब 1785 में टीपू सुल्तान ने स्टॉप कर दिया, रोक लगा दिया, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स काफ़ी गुस्से में आ गए, ठीक है। अब इसके बाद जो था, अगर देखा जाए एक दूसरी तरफ ये बात है कि टीपू सुल्तान का देखा जाए तो फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, ठीक है। फ्रांस के साथ, फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके साथ ट्रेडिंग रिलेशनशिप था, तो वो अपने ट्रेडिंग रिलेशनशिप को उसके साथ एक्सपेंड करना चाहता था। क्योंकि आगे हम बताएंगे आपको कि किस तरह से ये फ्रेंच सोसाइटी जो था, ये टीपू सुल्तान जो था वो मतलब फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड भी था, ठीक है। तो इस कारण से ब्रिटिशर्स को ये एंट्री नहीं करने दिया जाता था, अब यहाँ कर देता चाहता था। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1760 यहाँ पर मैंने आपको चार वार लड़ा गया ब्रिटिशर्स के बीच में और मैसूर के रूलर्स के बीच में, चार वार लड़ा गया और चार वार के बाद ही जाकर के लास्ट फाइनलाइज हो पाया। लास्टली ब्रिटिशर्स क्या कर पाया, उसको अक्वायर कर पाया, मतलब मैसूर को। और मतलब क्योंकि, और ये जान लो बेटे कि लास्ट तक टीपू सुल्तान जो है फाइट करता रहा, ठीक है। और युद्ध में लड़ते लड़ते ही उसको मौत का सामना करना पड़ा। और वहाँ पर भी उसका रीजन क्या था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, आप देखोगे तो अवध, ठीक है, अवध और क्या था, हैदराबाद के निजाम, अवध का जो था मुगल एम्परर वो, और क्या कहते हैं आपको ये मराठा, ये सारे अवध और मराठा के हेल्प से, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मतलब टीपू सुल्तान को हरा दिया। अब ये जान लो कि शायद अगर वो सपोर्ट नहीं करता, मतलब अवध और मराठा रूलर्स, तो शायद इंडिया, शायद उस समय में टीपू सुल्तान को ब्रिटिशर्स नहीं हरा पाता। तो बेटे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वार कब कब हुआ, उस वार में किसकी जीत हुई और वार के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ, हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक वेट कीजिए फॉर कमिंग वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।